सुपर सेट देख लेते हैं। ये भी फालतू की डेफिनेशन बनाई हुई है बच्चों के लिए मुश्किल पैदा करने के लिए, मतलब इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इतनी खास। सुपर सेट पता क्या होता है कि अगर ए जो है, अच्छा प्रॉपर सेट का मैंने सिंबल नहीं बताया, ये वाला सिंबल जो है ना ये होता है सबसेट का, और ये वाला सिंबल जो है जिसके नीचे लाइन ना लिखो तो ये प्रॉपर सबसेट का होता है, और इम्प्रॉपर का कोई एक्स्ट्रा सिंबल नहीं है, उसमें हम सबसेट का सिंबल ही यूज कर लेते हैं। प्रॉपर के लिए था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। सुपरसेट ये है कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, तो बी जो है वो सुपरसेट हो जाएगा ए का। अभी बताओ कि बात है करने वाली मैं ये है कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, तो आप बोलोगे बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए। उल्टी बात करनी है आपने, अगर ए है सबसेट ऑफ बी, बी है सुपरसेट ऑफ ए, और लिखोगे किस तरह, सबसेट के सिंबल को मुंह चेंज कर देना, बस ये डेफिनेशन है सुपरसेट की। एग्जांपल की जरूरत है तो नहीं, मैं बता देता हूं। जैसे ये सेट कर लो ए है, ठीक है, ये बी है, तो यहां पे आपको दिखने में लग रहा है ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और इसको दूसरे तरीके से क्या बोलोगे, बी इज अ सुपरसेट ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट भी वही पुराना कॉन्सेप्ट है जो अभी आप पढ़ते हुए आ चुके हो, बस एक नाम दे दिया इसको सेट का, कि अगर आपके पास कोई सेट है ना, जैसे कंसीडर कर लेते हैं ऊपर जो आपने ए कंसीडर किया था, ये सेट है, आपको बोला जाए कि इस सेट के पावर सेट निकालो, तो इस सेट का पावर सेट का मतलब ये है कि आप सबसे पहले इसके सबसेट निकालो। इसका सबसेट होगा फाइव, वन टू वन टू, तो आपने क्या किया, सबसे पहले इस वाले सेट के सबसेट निकाले। जब सबसेट आ जाए ना, तो उनको एक कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दो, तो ये जो सेट बनेगा इसको आप क्या बोलोगे, पावर सेट बोलोगे। डिफाइन इस तरीके से करते हैं, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट के सबसेट की कलेक्शन को आप कहते हो पावर सेट। लिखने का तरीका ये है, पी ऑफ ए, पी फॉर पावर और ए फॉर जिस सेट के आपने सबसेट निकाले हैं ना, उसको आप यहाँ पे लिख रहे होते हो। तो स्टूडेंट समझते हैं हमेशा पी ऑफ ए होता है, ये मैंने मिस्टेक देखी हुई है, यहाँ पे लिखा होता है बी और पावर सेट के अंदर वो यूज़ कर रहे होते हैं पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए कोई सिंबल नहीं है इसके लिए, अंदर आप वो चीज़ लिखते हो कि जिस सेट के आपने सबसेट निकाल लेते हैं। तो अगर बी है ये, तो फिर आप यहाँ पे बी लिख दोगे, पावर सेट ऑफ बी, ये पावर होता है। उसके बाद बड़ा मशहूर यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट आप लोग, मैं कल में जब से सेट पढ़ते हुए आ रहे तब से आप ही यूज़ करते हुए आ रहे हैं यूनिवर्सल सेट। किसी बंदे ने भाई ऐसे लिखा है पूरा, ये हर ब्रैकेट की अपनी अलग अहमियत है ना, कर्ली अलग राउंड अलग बाकी काइंड्स भी बता दें ब्रैकेट की। यार ये अब सवाल तुम मुझे क्या बॉडमास में लेके जाओगे, एट क्लास के सवाल में, ये कर्ली है सारी, इसमें कोई राउंड कुछ और मैंने लिखी हुई। हाँ ये मैं बात बता सकता हूँ, इस सवाल का एक अच्छा आंसर मैं दे देता हूँ, अच्छा आंसर नहीं नई चीज़ बताने लगा हूँ, कि एक होता है ऑर्डर्ड पेयर, जो अभी आप चैप्टर 2-3 पढ़ते हुए आ रहे हो सेकेंड ईयर का, आपने ये देखा होगा बहुत दफ़ा, इसके बगैर तो आपका सवाल ही नहीं हो सकता, और वेक्टर के अंदर आपने 3 देख लिए थे, ये तो इनको आप राउंड ब्रैकेट से शो करते थे, तो इसको आप कहते हो ऑर्डर्ड पेयर, और इनके अपने मतलब है। ज़्यादातर ये पोजीशन शो करने के लिए आप यूज़ करते हो, जैसे एक पॉइंट है उसकी पोजीशन बताता है ना कि 1, 2, ठीक है, बाकी और भी इसके मतलब है। कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रहा होगा, अगर चैप्टर नंबर 1 फंक्शन और लिमिट्स में देखोगे तो एक ये इंटरवल को शो कर रहा होगा, तो ये कॉन्टेक्स्ट पे काफ़ी डिपेंड करता है, लेकिन चैप्टर 2-3 में आपने पढ़ा था कि पोजीशन को शो कर रहा होता है। बहरहाल तो ऑर्डर्ड पेयर और सेट में कुछ फर्क होता है, फर्क ये होता है कि ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर मैटर कर रहा होता है, आप 1-2 लिखो या आप 2-1 लिखो, दोनों बातें अलग होंगी। दूसरी बात, इसके अंदर रिपीटिशन हो सकती है, मैं 2-2 भी लिख सकता हूँ, आपने कितने ऐसे पॉइंट देखे हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 2, 2, आप रिपीट कर सकते हो, लेकिन ऑर्डिनरी सेट में जो आपके पास सेट होता है ना, उसमें रिपीटिशन अलाउ है और उसमें ऑर्डर भी मैटर नहीं करता। इसको आप राउंड ब्रैकेट से लिखते हो, इसको आप कर्ली ब्रैकेट से लिखते हो, तो ब्रैकेट मैटर करती हैं। चैप्टर नंबर 1 में भी आपने देखा होगा, इन ब्रैकेट का मैंने मतलब बताया था आप लोगों को, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो वैल्यू मैंने लिखी हुई है वो शामिल है, और राउंड ब्रैकेट का मतलब होता है वैल्यू इंक्लूड नहीं है। तो ये आप लोग चैप्टर 1 देख लेना, उसमें मैंने बात क्लियर की थी कि इन ब्रैकेट्स का फर्क होता है।
तो इस लेवल पे इन ब्रैकेट का जो जो फर्क होता है ना वो मैंने आपको बता दिए। बाकी तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो ना, इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं, पता नहीं इसको राउंड कहते हैं, पैरेंथेसिस और कुछ ब्रेसिस होती हैं, ये नाम तो आप लोग खैर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। और बचपन में आपने यही पढ़ा था कि यार पहले आप राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, फिर आप कर्ली को सॉल्व करते हो, फिर आप स्क्वायर को सॉल्व करते हो, लेकिन इस लेवल पे आप इतना फॉलो नहीं करते, कभी स्क्वायर लगाई हुई होती हैं, कभी किसी ने राउंड लगाई हुई होती हैं, कोई ख्याल नहीं करता इस तरह, इस लेवल पे इतना नहीं कुछ होता। बहरहाल तो यूनिवर्सल सेट पे आ जाओ। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है कि जिसको हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक बड़ा सेट है, ऐसा बड़ा सेट कि जो जो छोटे छोटे सेट है ना वो उसके अंदर, आप ये समझ लो कि एक व्हेल मछली है कि जिसने सारी मछलियों को अपने अंदर लिया हुआ है। मछलियां कंसिडर कर लो छोटे 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 सेट हैं, काफी ऑकवर्ड एग्जाम्पल है। अच्छा एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कि सेट ऑफ एनिमल्स, ये जो मैंने वर्ड बोला ना सेट ऑफ एनिमल्स, ये एक यूनिवर्सल सेट है। छोटे छोटे सेट क्या होंगे, सेट ऑफ लॉयंस, सेट ऑफ डॉग्स, सेट ऑफ मगरमच्छ, ये जो छोटे छोटे सेट हैं, और सेट ऑफ एनिमल्स जो है ये एक यूनिवर्सल सेट है कि इसके अंदर सारे सेट आ जाएंगे। इसी तरह सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये यूनिवर्सल सेट है। छोटे सेट क्या है, सेट ऑफ पाकिस्तानी, सेट ऑफ अमेरिकन, सेट ऑफ इंडियंस, सेट ऑफ कुछ भी, लेकिन एक बड़ा सेट क्या, सेट ऑफ ह्यूमन बींग, कि उसमें सब लोग कंसिडर हो गए। तो यूनिवर्सल की ये अहमियत है। मैथ में ये हो जाएगा कि लेट कर लो एक सेट है जिसके अंदर 1 2 एलिमेंट है, एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, तो यूनिवर्सल क्या होगा, कंसिडर कर लो यूनिवर्सल के अंदर 1 2 3 4 5 ये हो जाएंगे। मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सल का मतलब कि हर दफा उसके अंदर बहुत ज्यादा एलिमेंट होंगे, ये मतलब नहीं है। जो सेट आप कंसिडर कर रहे हो ना, जैसे मैंने ये दो सेट कंसिडर किए हैं, तो अब यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जिस सेट के अंदर इन दोनों के एलिमेंट लाजमी मौजूद होंगे और कुछ एक्स्ट्रा मौजूद होंगे, जैसे आपने यहाँ पे देख लिया। इसका हरगिज़ से मतलब नहीं कि यूनिवर्सल सेट एक बहुत बड़ा सेट है, जो आप कंसीडर करोगे उस हिसाब से आप फिर यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करोगे। इतना ही पढ़ लो काफ़ी है। यूनिवर्सल के लिए ये वाला सिंबल भी यूज होता है, यूनिवर्सल के लिए एक और सिंबल भी यूज होता है एक्स, वो खैर फेडरल बोर्ड में है, पंजाब बोर्ड में तो सॉरी सिंध बोर्ड में तो नॉर्मली यू आप यूज़ कर रहे होते हो। बहरहाल एक्स भी होता है, अगर कहीं भूला भटका आ गया तो समझ जाना कि एक्स यूनिवर्सल को शो कर रहा है। ज़्यादातर मशहूर नोटेशन इसकी यू है, और यू को हम इस तरह कर देते हैं क्योंकि अगर इस तरह लिखोगे तो यूनियन को शो कर रहा है ये, तो इस तरह कर देते हैं ताकि यूनिवर्सल को शो करें। अच्छा देखो बाकी जो हमारी टाइप्स रह गई हैं ना, उन टाइप्स को पढ़ने से पहले कुछ आपको बेसिक ऑपरेशन पता होने चाहिए। वो बेसिक ऑपरेशन ये हैं कि कुछ तो आपने पढ़े हुए अपने बचपन में, छोटी क्लासेस में, मैट्रिक में और बाकी, के यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब आपको करने आते हैं। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा यूनियन किस तरह मालूम करना है, इंटरसेक्शन किस तरह मालूम करना है, ये तो आपको आता है। इन दोनों से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं सेट बिल्डर फॉर्म, वो एमसीक्यू में पूछी जाती है, उसको ज़रा देख लो। तो सबसे पहले यूनियन की बात करते हैं। अच्छा यूनियन में होता क्या है, लेट कर लो एक सेट है ए, एक सेट है बी, इनका आपने यूनियन मालूम करना है। तो इसका मतलब होता है कि आप ए के एलिमेंट लिखते हो, आप बी के एलिमेंट लिखते हो, उसको आप यूनियन कहते हो। कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए के अंदर मौजूद है बी के अंदर नहीं है, वो आपने लिख लिए। फिर कुछ बी के अंदर ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए के अंदर नहीं है, वो भी आपने लिख लिए, और कुछ इनके अंदर कॉमन भी हो जाएंगे। तो सब एलिमेंट कंबाइन करके आपने लिख दिए, तो उसको आप कहते हो यूनियन ऑफ टू सेट। तो इसके अंदर वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जो या तो ए से बिलोंग करते हैं या वो बी से बिलोंग करते हैं। बस ज़रूरी नहीं है कि एट द सेम टाइम वो ए से भी बिलोंग करें, बी से भी बिलोंग करें। जैसे अगर आपके पास एक सेट है 1 2, इसका आप यूनियन निकालो 2 3 से, तो यूनियन इसका आएगा 1 2 3, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो सिर्फ ए से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे 1 वो ए से बिलोंग कर रहे हैं, इसी तरह बी 3 जो है वो जस्ट बी से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसके अंदर वो वाले एलिमेंट होंगे जो या तो ए से बिलोंग करेंगे या बी से करेंगे या दोनों से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखने का तरीका ये होता है कि ए यूनियन बी बराबर होता है एक्स के, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये और का मतलब आपको समझना पड़ेगा, और का मतलब होता है कोई एक कंडीशन भी ठीक हो जाए, कि या तो वो एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा या वो एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। जरूरी नहीं है कि एलिमेंट एट द सेम टाइम ए से भी बिलोंग करे, बी से भी बिलोंग करे, ठीक है। इसको आप कहते हो सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ यूनियन। अब आ जाओ भाई इंटरसेक्शन के ऊपर। इंटरसेक्शन और इसमें एक स्लाइटली सा फर्क है। वो फर्क ये होता है कि अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी में आप कॉमन एलिमेंट लिख रहे होते हो। यार मेरी वीडियो का इशू आ रहा है सबको क्या?
अच्छा ठीक है, इंटरसेक्शन में आप कौन से एलिमेंट लिखते हो जो कॉमन होते हैं? तो कॉमन का मतलब अगर इन्हीं दो का आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो इंटरसेक्शन में आपके पास 2 आएगा, तो जो कॉमन एलिमेंट होगा वो डेफिनेटली ए से भी बिलोंग करेगा, बी से भी बिलोंग करेगा। तो इसको लिखने का तरीका होता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब वो एलिमेंट एक्स जो है ना वो ए से भी बिलोंग करेंगे और साथ साथ वो बी से भी बिलोंग करेंगे। जरूरी है कि वो एलिमेंट दोनों से बिलोंग करेंगे, जबकि यूनियन में जरूरी नहीं होता, वो ए से भी बिलोंग कर सकते हैं, वो बी से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये इनमें फर्क होता है। तीसरा ऑपरेशन जो है उसको आप कहते हो डिफरेंस, किसी भी दो सेट का डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालना स्टूडेंट को नॉर्मली इतना आता नहीं है, मैं जरा बता देता हूँ डिफरेंस आप किस तरह निकालते हो। जैसे आपने ये वाला, अच्छा डिफरेंस का ऑर्डर मैटर करता है, आप ये सेट पहले लिखो या ये पहले लिखो दोनों अलग हो जाएंगे। यूनियन और इंटरसेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, बी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन बी बात एक ही होती है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा होता है। तो डिफरेंस परफॉर्म आप किस तरीके से करते हो कि अगर आपको ये सेट माइनस ये वाला सेट, तो आप आंसर में लिखोगे पहला वाला सेट, ठीक है 1 2, उसके बाद जो पहला वाला सेट होगा ना वो आप आंसर में लिखोगे, उसके बाद पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे के अंदर भी मौजूद हैं उनको आप कैंसिल कर दोगे। जैसे इस वाले सेट के अंदर जो 2 एलिमेंट है वो बी के अंदर भी मौजूद है, तो 2 को आप कैंसिल कर दो, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। मतलब 2 आपने हटा दिया तो इनके डिफरेंस का आंसर क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। इन शॉर्ट जो कॉमन एलिमेंट है ना वो पहले सेट से आप कैंसिल कर दोगे। तो कंसीडर आपने पहले सेट को ही करना है, दूसरे सेट को कंसीडर नहीं करना, पहले सेट को कंसीडर करो, जो कॉमन एलिमेंट है उनको कैंसिल कर दो, पीछे आपके पास डिफरेंस आ जाएगा। तो अब आप इसको किस तरह एक्सप्लेन करोगे? डिफरेंस के अंदर वो वाले एलिमेंट होते हैं जो सिर्फ इसके होंगे और दूसरे वाले सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि जो दूसरे वाले सेट का एलिमेंट होता है वो आप कैंसिल कर देते हो ना, तो इसके अंदर वही एलिमेंट होंगे जो पहले वाले सेट से बिलोंग कर रहे होंगे, दूसरे वाले सेट से कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा होगा। इसको आप किस तरह लिखोगे कि ये बराबर है x के, सच दैट जो x है वो बराबर होगा a के, और x जो है ये उर्दू वाला और बोला है मैंने इंग्लिश में एंड, x इज नॉट इक्वल टू b, मतलब वो एलिमेंट जो है वो पहले सेट से तो बिलोंग कर रहे होंगे और साथ साथ वो दूसरे सेट से बिलोंग नहीं करेंगे। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी डिफरेंस की। अब अगर a माइनस बी है ना, आपसे पूछा जाए b माइनस a, तो b माइनस a में क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a, मतलब अगर यहाँ पे b माइनस a आ गया तो यहाँ पे b लिखोगे यहाँ पे a कर दोगे। पोजीशन आपने चेंज करनी है वो आप देख लेना, कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा इसी में एक ऑपरेशन होता है जिसको आप कॉम्प्लीमेंट कहते हो, कॉम्प्लीमेंट भी बेसिकली एक डिफरेंस ही है। कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे e आता है, क्या आता है ये बड़ा मसला है। बहरहाल कॉम्प्लीमेंट यार, एक आप लोगों को मैं चीज़ बता दूँ, जूम की मीटिंग का ना ऑप्शन होता है कि जब आप जूम ज्वाइन करो ना तो आपका माइक्रोफोन और वीडियो ऑन हो या ना हो, तो आप लोग जैसे ज्वाइन करते हो उसके बाद ऑफ करते हो ना, तो आप सेटिंग में जाके कर दो कि मुस्तकिल जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको ऑफ ही रहेगा जब तक आप खुद ऑन ना करो, ताकि डिस्टर्बेंस ना हुआ करें। तो सेटिंग में जाके देख लेना, कोई इतनी मुश्किल सेटिंग नहीं है ये। वीडियो और ऑडियो दोनों इस तरह ऑफ रखा करो। वो लोगों ने हाथ रखा होता कैमरे के ऊपर, वो अंगूठे नजर आ रहे होते हैं उनके, तो आप पहले से ऑफ कर दो ताकि इशू ना हो। अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट का जब आप मालूम करते हो तो उस सेट को आप माइनस करते हो यूनिवर्सल सेट से। लेट कर लो मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, ठीक है, तो ये बराबर होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल में से मैंने उसको माइनस कर दिया। तो अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म वही है जो आपने ऊपर डिफरेंस में देखी थी, कि आप लिखोगे इसके अंदर एलिमेंट जो है वो बिलोंग कर रहे हैं यू से एंड इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ए से बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। इसके अंदर बस जो एलिमेंट होंगे वो पहले सेट से बिलोंग करेंगे और दूसरे सेट से वो बिलोंग नहीं कर रहे होंगे। तो ये होगी सेट बिल्डर फॉर्म कॉम्प्लीमेंट सेट की। उसके बाद एक आखिरी ऑपरेशन है, पहले वो समझना पड़ेगा उसके बाद मैं लिखूंगा। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लो। अच्छा तो आप लोग बुक खोलना, बुक में 1.1 जो है उसमें सॉल्व करना, क्वेश्चन नंबर 4 है या 5 है आई गेस, उसमें हर ऑपरेशन डिस्कस हुआ है, मैं ज़रा बता देता हूँ। हाँ क्वेश्चन नंबर 7 है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लो, हर चीज़ समझ आ जाएगी। उसके अंदर यूनियन भी आ रहा है, इंटरसेक्शन भी आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है, हर चीज़ आ रही है उसके अंदर, डिफरेंस भी आ रहा है।
तो उसको आप सॉल्व कर लो, उसका काफी पार्ट है, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इन सब ऑपरेशन की। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है यार, इसलिए मैं इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। जो असल चीज़ है वो ये है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये नॉर्मली आता नहीं है स्टूडेंट को, इसलिए मैं बता देता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसी भी दो सेट को आपने मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे सेट की मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं है, आप इसको थोड़ा डिफरेंट अंदाज में करते हो। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। कंसीडर कर लो सेट ए के अंदर 1, 2 है, सेट बी के अंदर 3, 4 है। आपने इनका प्रोडक्ट मालूम करना है, तो इस प्रोडक्ट को आप ये क्रॉस सिंबल जो है इससे लिखते हो। अगेन वही बात, ए क्रॉस बी हो या बी क्रॉस ए, ये दोनों अलग होते हैं, ये बराबर नहीं हो सकते। इसको आप कहते हैं कमुटेटिव प्रॉपर्टी। कमुटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। जैसे आप ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, आंसर एक होता है। इसी तरह आप ए इंटरसेक्शन बी लिखो या बी इंटरसेक्शन ए लिखो, ए की बात होती है। तो यूनियन और इंटरसेक्शन जो है ये कमुटेटिव है, जबकि डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट ये कमुटेटिव नहीं है। आप ए माइनस बी लिखो या बी माइनस ए लिखो, दोनों अलग होंगे। इसी तरह आप ए क्रॉस बी लिखो या बी क्रॉस ए लिखो, ये भी दोनों अलग अलग होंगे। तो इसको आप कहते हो ये कमुटेटिव प्रॉपर्टी को ऑबे नहीं कर रहे। करते किस तरीके से मल्टीप्लाई, आप सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लिखते हो। यहाँ पे पहला सेट कौन सा है, ए है ना, तो आप ए के एलिमेंट पहले कंसिडर करते हो। आप 1 को मल्टीप्लाई करो 3 से, लिखने का तरीका होगा 1, 3, और आप राउंड ब्रैकेट से इनक्लोज करोगे। फिर आप 1 को मल्टीप्लाई करो 4 से, ये इसी तरह मल्टीप्लीकेशन करनी है आपने, खत्म। अब ए का दूसरा एलिमेंट जो है उस पर आ जाओ, 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से 2, 3, 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से 2, 4। तो इस तरीके से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है उसको परफॉर्म करते हो। जो पहला सेट लिखा हुआ है उसके एलिमेंट कंसीडर करते हो, लेट कर लो पहला एलिमेंट कंसीडर किया, उसको दूसरे सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनसे मल्टीप्लाई किया और लिख दिया आपने। मल्टीप्लीकेशन करने का तरीका है कि आप एक्चुअल मल्टीप्लाई नहीं करते, बस साथ साथ लिख देते हो। फिर आप दूसरा एलिमेंट देखोगे उसको सबसे मल्टीप्लाई करोगे, अगर कोई तीसरा एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, जितने भी चार ऑर्डर्ड पेयर आए हैं, चार ऑर्डर्ड पेयर आए ना, इन सब ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से बिलोंग कर रहा होगा। पहला एलिमेंट, जितने भी पहला एलिमेंट है ये सब पहले सेट से बिलोंग कर रहे हैं, और जितने भी दूसरे एलिमेंट हैं वो दूसरे सेट से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब सेट बी से। 3, 4 ये सब ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट हैं, वो बिलोंग कर रहे हैं दूसरे सेट से। तो ऑर्डर्ड पेयर में, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जो पहला सेट होता है उसके एलिमेंट आपको पहले नज़र आ रहे होते हैं यहाँ पे, और ऑर्डर्ड पेयर में दूसरे एलिमेंट किसके होते हैं, जो यहाँ पे दूसरा सेट लिखा हुआ है। तो इसी से हम बनाते हैं इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई एलिमेंट नहीं आते, ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। नॉर्मल आपके पास एलिमेंट्स आ रहे होते हैं ना 1, 2, 3 इस टाइप के, लेकिन इसमें ऑर्डर्ड पेयर आ रहे होते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखूंगा कि जो ए क्रॉस बी है वो ऑर्डर्ड पेयर के बराबर होता है। अब मैं इसके बारे में बताऊंगा, सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। कहने का मतलब पहला एलिमेंट जो है वो बिलोंग करेगा पहले सेट से, एंड जो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा दूसरे सेट से। जैसे आपने यहाँ पे देखा था इन सब ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे जो एलिमेंट थे वो बिलोंग कर रहे थे दूसरे सेट से। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये 5 ऑपरेशन थे, ये मैंने डिस्कस भी कर लिए हैं, इनके बारे में भी आपको बता दिया। अब जो हमारी रिमेनिंग कुछ टाइप्स है ना सेट की, उस पर आ जाओ। बड़ी मशहूर टाइप है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट होते हैं के जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। कहने का मतलब जब आप उनका इंटरसेक्शन निकालोगे तो आपके पास एम्प्टी सेट आएगा, उनके दरमियान कुछ कॉमन ही नहीं होता। जैसे मैंने ऊपर लिखे हुए ए और बी, जब आप इनका इंटरसेक्शन निकालोगे कुछ कॉमन नहीं आएगा इनके अंदर। तो ऐसे सेट जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, या मैथमेटिकली आप कैसे लिखोगे उनका इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी के बराबर हो, एम्प्टी सेट के बराबर, तो उन वाले सेट को आप बोलते हो डिसजॉइंट। फिर एक और टाइप होती है जिसको आप बोलते हो ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट वो होते हैं कि जिनका इंटरसेक्शन जो है वो नॉन एम्प्टी हो, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन हो उनके दरमियान। ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट का मतलब कि उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट आ रहे हों। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, एक सेट है 1, 2 और एक सेट है 2, 3।
जब आप ये ओवरलैपिंग सेट है, क्यों? जब आप इनका इंटरसेक्शन निकालोगे ना तो आपके पास कॉमन क्या आ रहा होगा, 2। कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए इनके दरमियान, तो उसको आप क्या बोलोगे, ओवरलैपिंग। और अगर कुछ भी कॉमन ना आए तो उसको आप क्या बोलोगे, डिसजॉइंट। ओवरलैपिंग की ये आधी डेफिनेशन है। कंप्लीट डेफिनेशन ये है कि एम्प्टी सेट के बराबर भी नहीं आना चाहिए और साथ साथ एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए। जैसे ए बी का सबसेट नहीं हो सकता, इसी तरह बी जो है वो ए का सबसेट नहीं हो सकता। मतलब क्या है इसका, इन वाले सेट को आप ओवरलैपिंग नहीं बोल सकते। स्टूडेंट कहेंगे सर इनका अगर आप इंटरसेक्शन निकाल रहे हो तो वो तो नॉन एम्प्टी आ रहा है, कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन है इसके अंदर, तो इसको ओवरलैपिंग बोलेंगे? नहीं, ओवरलैपिंग इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें से ये वाली चीज जो है, ये वाला सेट जो है, ये इसका सबसेट है। तो दो बातें देखनी है कि इंटरसेक्शन जो है कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट आए, और दूसरी बात कि वो एक दूसरे के सबसेट ना हो, फिर आप उसको ओवरलैप नहीं कहते। क्योंकि एक टॉपिक होता है वेन डायग्राम का जो आपके सिंथ बोर्ड के अंदर नहीं है, तो वेन डायग्राम के अंदर आप इनको बना रहे होते हो, तो जब आप इनकी वेन डायग्राम बनाओगे ना तो एक सर्कल इस तरह बनेगा इसका, और ये इसके अंदर बनेगा, ये ओवरलैपिंग नहीं होता। ओवरलैपिंग आप इसको नहीं कहते, ओवरलैपिंग आप इसको कहते हो कि कुछ ना कुछ ओवरलैप कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इससे में कॉमन है ये, ठीक है? तो जब एक दूसरे के सबसेट हो तो फिर आप उनको ओवरलैपिंग सेट नहीं कहते। ओवरलैपिंग के लिए शर्त ये कि वो एक दूसरे के सबसेट ना हो और साथ साथ कुछ ना कुछ उनके अंदर कॉमन एलिमेंट आ रहा हो। जैसे ये वाला रीजन है ना, कुछ ना कुछ उनके दरमियान कॉमन है, तो उन वाले सेट को आप ओवरलैपिंग कहते हो। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को ये वाली दे दी थी। ये वो चीज़ें जो आपकी बुक में मेंशन है, लेकिन आपने पहली दफ़ा ही आई गेस पढ़ रहे होंगे, या शायद अगर किसी ने मेरी वीडियोस देखी हुई उसको पहले से पता होगा ये। उसके बाद एक टाइप होती है जिसको आप बोलते हो एग्जॉस्टिव सेट। एग्जॉस्टिव सेट्स मैं कह रहा हूँ इसको, ये ग्रुप ऑफ सेट होते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेट कि जिनका यूनियन एक और सेट के बराबर आ रहा है। जैसे एक सेट ए है 1, सेट बी है 1 2, सेट सी है 2 3 4, और एक सेट है डी 1 2 3 4। अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर आप ये मालूम करोगे तो डी के बराबर आएगा ये, ठीक है? अगर आप यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी मालूम करोगे, इन तीनों सेट को कंबाइन करोगे, तो ये किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया कि एक ग्रुप ऑफ सेट है, उनका जब आपने यूनियन लिया तो वो किसी एक और सेट के बराबर आ रहा है। तो अब आप ये बोलोगे कि ए बी सी जो है ये एग्जॉस्टिव सेट है किसके, डी के। ए बी सी एग्जॉस्टिव सेट्स हैं सेट बी के, ठीक है? और कंडीशन क्या है कि उन सब ग्रुप ऑफ सेट का जब आप यूनियन लोगे तो वो डी के बराबर आना चाहिए। ये कंडीशन एमसीक्यू में पूछी जाती है, तो इसको नोट कर लेना कि ग्रुप ऑफ सेट का यूनियन डी के बराबर हो। अच्छा, इसमें एक शर्त होती है कि ये सब नॉन एम्प्टी होने चाहिए, मतलब ये जो ग्रुप ऑफ सेट है ना ये नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट होने चाहिए, मतलब एम्प्टी सेट नहीं हो सकते, एम्प्टी सेट के अलावा कुछ भी हो जाएंगे, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसके अंदर दो, इसके अंदर तीन एलिमेंट है, बस एम्प्टी नहीं होने चाहिए। अगर ये एम्प्टी हो गए तो फिर ये एग्जॉस्टिव सेट की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरेंगे, ठीक है? और अब एक आखिरी चीज है, वो बेसिकली सेट की टाइप नहीं आप बोलोगे, खैर बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, असल है क्या चीज, वो है सेल्स। अब ये सेल्स क्या होता है, सेल्स वही होता है जो आपने एग्जॉस्टिव सेट में पढ़ा है, कि कोई भी ग्रुप ऑफ सेट है कंसीडर कर लो ए बी सी, इनका यूनियन जो है वो डी के बराबर आ गया, तो अब आप ए बी सी को क्या बोलोगे, सेल्स बोलोगे। लेकिन ये तो वही कंडीशन है जो एग्जॉस्टिव में आपने पढ़ी थी। एक्स्ट्रा बात क्या है इसके अंदर, एक्स्ट्रा बात ये है कि तीनों सेट आपस में कुछ कॉमन ना हो इनके दरमियान, मतलब ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट हो, बी इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट हो, ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी सेट हो। कहने का मतलब इन तीनों सेट का यूनियन जो है वो डी के बराबर तो है, लेकिन आपस में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए इनका। अब इधर देखो, इनका तो कॉमन था ना, ए और बी के दरमियान कॉमन एलिमेंट 1 है, बी और सी के दरमियान कॉमन एलिमेंट 2 है, तो ये एग्जॉस्टिव सेट तो है ही, लेकिन सेल्स नहीं है ये। सेल्स में लाजमी कंडीशन है कि वो आपस में कुछ कॉमन ना हो। अब एग्जाम्पल देख लो इसकी, लेट कर लो ए जो है वो यहाँ पे है 1 2,
बी जो है वो यहाँ पे है 3, सी जो है वो यहाँ पे है 4, 5, और कंसिडर कर लो डी जो है वो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 है। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो ए यूनियन बी यूनियन सी, ये डी के बराबर तो है लेकिन ए बी सी आपस में डिसजॉइंट है, कुछ कॉमन नहीं है उनके दरमियान, इनके दरमियान कुछ कॉमन नहीं है, इनके दरमियान कुछ कॉमन नहीं है, इसके और इसके दरमियान कुछ कॉमन नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा कंडीशन है ना एग्जॉस्टिव से वो ये वाली कंडीशन है कि उनके दरमियान कुछ कॉमन ना हो, तो अब आप उनको क्या बोलोगे, सेल्स बोलोगे। क्लियर है बात यहां तक सबको? इस सेट के अंदर ना ये मेजर टॉपिक था। आप जितने एमसीक्यूज देखो या तो वो किसी नंबर सिस्टम से रिलेटेड होंगे, होल नंबर पूछ लेंगे, नेचुरल नंबर, या वो सेट की टाइप पूछ लेंगे, सारी मैंने आप लोगों को टाइप्स बता दिए, या वो कोई ऑपरेशन का दे देंगे, यूनियन इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने को बोल देंगे, सबसेट आ जाएगा, इसी से रिलेटेड हर चीज़ होती है। अब 15-20 मिनट आखिरी में कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी बता देता हूँ, वो भी एक दो दफ़ा आपको मिल जाएंगी और याद कर लो तो बेहतर है, क्योंकि बुक में है आ भी सकती हैं बिल्कुल। और ये तो वो चैप्टर है जो रिड्यूस सिलेबस में भी मौजूद था, तो फिर तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक एमसीक्यूज भी आ गया ना, क्योंकि 25 नंबर होंगे मैथमेटिक्स के, अगर एक भी इससे आ गया तो जाहिर सी बातें इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक नंबर देगा। टोटल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में 23 चैप्टर है, 23 चैप्टर में से 25 बनेंगे, तो इसलिए हार्डली एक एक दो दो इस तरह एमसीक्यूज आएंगे, या मे बी 3 आ जाएं, 3 बहुत कम ही होता है लेकिन इसी तरह होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। मेजर पोर्शन जो है वो सेट का वो यही है, सेट का, इसी तरह मैट्रिसेस का। मैट्रिसेस में चलो और भी कॉन्सेप्ट हैं, डिटरमिनेंट एडजॉइंट और बाकी चीज़ें, लेकिन मैट्रिसेस के अंदर भी मेजर पोर्शन है उसकी टाइप्स का, काफ़ी एमसीक्यू उससे बनते हैं।